हेलो दोस्तों, ये है TVS Apache RTR 204 V BS6। दोस्तों ये गाड़ी मार्केट में आपको अभी भी मिल जाएगा, लेकिन वो पुराना वाला मॉडल है। लेकिन अभी जो नया वाला मॉडल कंपनी ने निकाला है उसमें बहुत सारा अपडेट दिया है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में इस गाड़ी का पूरा डिटेल्स मिलने वाला है। मैं आपको यहाँ पे पूरा गाड़ी का टोटल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे इंजन से। दोस्तों इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन BS6। जो गाड़ी पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसमें जो इंजन लगाया गया है वो BS6 नहीं है, लेकिन इसमें BS6 आ चुका है। आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। मैं आपको इस वीडियो में सबसे आखिर में इसका प्राइस के बारे में बताऊंगा। अगर डिस्प्लेमेंट की बात करें तो यहाँ पे इस गाड़ी का जो डिस्प्लेमेंट दिया गया वो है 197.75 cc की बाइक है। मैक्स पावर जो इसमें दिया गया है वो है 20.5 PS एंड 8500 RPM। इसमें जो मैक्स टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है वो है 16.8 Nm एंड 7500 RPM। इसमें जो सिलेंडर है वो सिंगल सिलेंडर। दोस्तों सिंगल सिलेंडर में यहाँ पे आपको 4 वाल्व माने 4 वाल्व मिल जाएगा। तो इसमें जो कूलिंग सिस्टम लगाया गया है वो है ऑयल कूल्ड, ड्राइव टाइप चेन ड्राइव, स्टार्टिंग आपके यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट ओनली, मतलब इसमें आपको किक नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। इस बात को आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी तो ले लेते बाद में किक के लिए पछताते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी में आपको सिर्फ सेल्फ मिलेगा, आपको इस गाड़ी में किक नहीं मिलेगा। फ्यूल सप्लाई की अगर बात करें तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन यूज़ किया गया है। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल है। गियर बॉक्स जो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएंगे। बोर जो है इसमें 66 mm बोर। स्ट्रोक जो है 57.8। इसमें ABS डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। स्पीड मीटर डिजिटल, ऑडियो मीटर डिजिटल, ट्रिप मीटर भी डिजिटल, फ्यूल गेज डिजिटल, कंसोल भी डिजिटल। इसमें आपको पास स्विच है, क्लॉक भी दिया गया है। इंजन इमोबिलाइजर नहीं है, एंटी थेप अलार्म नहीं है। इसमें आपको एक नेविगेशन भी दिया गया है। ये एक स्पोर्ट नेकेड बाइक है, स्पोर्ट बाइक आप समझ सकते हो। दोस्तों इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है वो काफ़ी मजबूत है। इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन यूज़ किया गया है टेलीस्कोपिक विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स, और जो रियर सस्पेंशन दिया गया है मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाएगा। इसके आपको हेडलाइट LED मिलेगा, टाइल लाइट LED, ट्रांस सिंगल लैम्प भी LED, लो फ्यूल इंडिकेटर इसमें दिया गया है। इसका व्हील साइज जो है वो LOA। फ्रंट ब्रेक भी आपको डिस्क मिल जाएंगे, रियर ब्रेक भी आपको डिस्क मिल जाएंगे। फ्रंट ब्रेक जो डायमीटर होगा वो है 270 mm और रियर ब्रेक डायमीटर जो होगा वो है 240 mm। उसी इस बाइक में बहुत सारा चीज़ नया यूज़ किया गया है, लेकिन साथ में एक नया चीज़ यूज़ किया गया वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस है 1,24,000 रुपया। अगर आप इसको 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपका RTO का खर्चा आएगा 9,920 रुपया, इंश्योरेंस का खर्चा आएगा 9,123 रुपया, और आपको दिल्ली में इसका टोटल ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा 1,43,043 रुपया। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में आपके दिलों में कोई भी बात चल रहा है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ये भी ना भूले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।